हां जी, किदा की हालचाल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दी विकिपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज टेबल पे जॉनी वॉकर रेड लेबल की भी बॉटल मैंने रखी हुई है, साथ में जॉनी वॉकर की ही ब्लैक लेबल भी मैं लेके आया हूँ। दोनों को साइड बाय साइड आज ट्राई करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि रेड लेबल नियर अबाउट आधे रेट में आपको मिल जाएगी। अगर 1400-1500 रुपए है इसका मार्केट में रेट है, वाइन शॉप पे आपको मिलेगी, तो डबल रेट पे आपको ब्लैक लेबल मिलेगी। तो भाई, इतना ज्यादा डिफरेंस है, दोनों जॉनी वॉकर के ही प्रोडक्ट हैं। तो जानते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डबल पैसे स्पेंड करने से टेस्ट में भी डबल मजा आएगा, या फिर हमें रेड लेबल ही पीनी चाहिए। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होगी, तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। और अगर आप भी जॉनी वॉकर के लवर हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। तो कंपैरिजन करने के लिए दो नोजिंग और टेस्टिंग ग्लास में लेके आया हूं। दोनों में मैंने डिफरेंस रखा है, एक के ऊपर लोगो बना हुआ है ताकि हमारी जो विस्की है उसमें डिफरेंस पता चल जाए। सबसे पहले रेड लेबल को मैं इस गिलास में पोर करूंगा। ये बॉटल मैंने इसीलिए छोड़ी थी कि दोनों में मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना सकूं। तो चलिए अपनी ब्लैक लेबल को भी पोर करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों के प्राइजेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो प्राइजेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये लुधियाना पंजाब के हैं। तो लुधियाना में आपको रेड लेबल नियर अबाउट 1300-1400 रुपीस मिल जाएगी और ब्लैक लेबल आपको 2500 रुपीस मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो नियर अबाउट 1100-1200 रुपीस का फर्क है। आप किसी भी सिटी में हो, आप किसी भी स्टेट में हो, आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसी प्राइस को देखते हुए हम जज करेंगे। सबसे पहले कलर में काफी ज्यादा नोटिसेबल एक डिफरेंस है। इस साइड है ब्लैक लेबल, ये गिलास के ऊपर एक लोगो लगा हुआ है। तो हमारी जो ब्लैक लेबल है ये ज्यादा डार्क कलर की है, रेड लेबल काफी ज्यादा लाइट लग रही है उसके सामने, ब्लैक लेबल एक काफी ज्यादा डार्कर कलर दे रही है। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है एज स्टेटमेंट की वजह से। रेड लेबल के ऊपर कोई भी एज स्टेटमेंट हमें नहीं मिलती, तो एज पर स्कॉटिश लॉ हम मान के चलते हैं कि ये मिनिमम 3 साल पुरानी स्कॉच है, और ब्लैक लेबल के हुए हमें ऊपर 12 साल वाली एज स्टेटमेंट मिलती है। तो इस पर हमें एक क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि इसमें जितनी भी विस्कीज हैं वो मिनिमम 12 साल के लिए मैच्योर करवाई गई है। रेड लेबल भी एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, इसमें ग्रेन विस्कीज और मॉल्ट विस्कीज का यूज किया गया है, और ब्लैक लेबल भी एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, इसमें भी ग्रेन विस्कीज और मॉल्ट विस्कीज दोनों का ब्लेंड मिलाया गया है। सबसे पहले मैं ब्लैक लेबल का गिलास यहां पे रख देता हूं और रेड लेबल की एक नोजिंग करके देखते हैं कि रेड लेबल्स में क्या नोट्स मिल रहे हैं हमें। तो भाई, रेड लेबल का जो कलर है एक शाइनिंग गोल्ड कलर है, और देखने में ही आपको एक यंग फील देगा। जी हां, इसमें ज्यादा मैच्योर्ड विस्कीज आपको नहीं मिलेंगी। नोजिंग के ऊपर एल्कोहल का बिल्कुल भी पंच नहीं है, 43% एल्कोहल स्ट्रेंथ दोनों की सेम है। रेड लेबल में भी 43% मिलेगी और ब्लैक लेबल में भी 43% मिलेगी। नोजिंग के ऊपर कैरेमल शुगर का एक इसमें अरोमा आ रहा है मुझे रेड लेबल में। स्मोक लाइट मिल रहा है, जेंटल स्मोक मिल रहा है, और रेड एप्पल्स का इसमें एक अरोमा मुझे आ रहा है। दोस्तों, बहुत ज्यादा नोट्स आपको रेड लेबल में नहीं मिलेंगे, तो चलिए ब्लैक लेबल को भी एक बार नोजिंग करके देखते हैं कि क्या कहती है ये स्कॉच विस्की। कलर के मामले में ये रेड लेबल से डार्कर कलर में है। ये इजीली आप नोटिस कर पाओगे कि ये ब्लैक लेबल है, क्योंकि
इसको ज्यादा देर तक मैच्योर किया गया है, इस वजह से इसका कलर ज्यादा डार्क है। बाय द वे दोनों में एडिट कलर्स डाले गए हैं, जी हाँ, ये दोनों का नेचुरल कलर नहीं है। तो चलिए एक बार नोजिंग करते हैं ब्लैक लेबल की। चीयर्स। जैसे ही आप रेड लेबल के बाद ब्लैक लेबल को नोज करोगे तो आपको एक सिमिलर सी नोजिंग आपको मिलेगी, लेकिन ज्यादा रिफाइन मिलेगी। एप्पल्स का अब जो अरोमा आ रहा है वो काफी अच्छे से मुझे मिल रहा है। वो जो यंग स्पिरिट वाली फीलिंग होती है वो अब इसमें बिल्कुल गायब हो गई है। पीटी स्मोक इसमें मिलना स्टार्ट हो गया है और हल्की हल्की डार्क फ्रूट्स की भी काफी अच्छा अरोमा इसमें से आ रहा है। रेड लेबल को अगर आप नोज करोगे और उसके बाद ब्लैक लेबल को नोज करोगे तो इजीली आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये नोजिंग में काफी ज्यादा स्मूथ है और लग रही है कि हाँ हम किसी बढ़िया स्कॉच विस्की को नोज करें। तो चलिए टेस्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले रेड लेबल का लेते हैं एक सिप। चीयर्स। दोस्तों नीट पीने में रेड लेबल हल्की हल्की बर्निंग मेरी टंग के ऊपर दे रही है और वनीला और एप्पल्स का इसमें टेस्ट आ रहा है, लेकिन हल्का सा अल्कोहल का बर्न आपको मिलेगा। अगर आप रेड लेबल को नीट पीना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रेड लेबल को नीट पियो, वो आपके पैलेट को थोड़ा बर्निंग फील देगी। तो अब मैं हल्का सा क्लियर वाटर पीता हूं, उसके बाद टेस्ट करते हैं ब्लैक लेबल को। दोस्तों मैंने अपने पैलेट को क्लियर कर लिया है, तो अब मैं टेस्ट करूंगा ब्लैक लेबल को। चीयर्स टू एवरीवन। दोस्तों दोनों में इतना फर्क है जैसे कि आपने एक 5 रुपए वाली पर्क खाई हो और उसके बाद 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क खा ली हो, इतना दोनों में फर्क है। कहने का मतलब जो उसकी स्मूथनेस है ब्लैक लेबल की वो बहुत अच्छी है। प्रॉपर आपको स्कॉच का टेस्ट उसमें आएगा, प्रॉपर आपको स्मोकीनेस उसमें मिलेगी और ज्यादा फ्लेवरफुल है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, दोनों में ही 43% एल्कोहल स्ट्रेंथ है, लेकिन एल्कोहल की जो बाइट है वो ब्लैक लेबल में बिल्कुल जीरो के बराबर है। रेड लेबल मेरे पैलेट को बर्न कर दी थी, लेकिन ब्लैक लेबल में मुझे कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। अगर आप नीट पीना चाहते हो तो आप नीट पी सकते हो, उसको एज सच कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपका पैलेट बर्न हो रहा है या फिर आपको जलन महसूस हो रही है। इजिली आपको आप उसको सिप कर पाओगे। दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगा कि अगर तो आप एक प्रॉपर स्कॉच विस्की की तरफ जाना चाहते हो जिसमें आपको ए स्टेटमेंट भी मिले, तो आप ब्लैक लेबल को पिक कर सकते हो। 1200-1300 रुपए के फर्क में ये आएगी, लेकिन जो आपका ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस है ना भाई, वो काफी ज्यादा उबर के बाहर आएगा। फर्स्ट टाइम जो लोग पीना चाहते हैं या फिर स्कॉच की तरफ आना चाहते हैं वो 2 महीने बाद पीना स्टार्ट कर दे, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ब्लैक लेबल से ही पीना स्टार्ट करो, एक बार उसको ट्राई करो, क्योंकि हो सकता है रेड लेबल पीने के बाद आपको लगे कि यार स्कॉच विस्की, स्कॉच तो मैंने कुछ और सोची थी, उसमें तो ऐसी स्मूथनेस मिल रही थी या फिर ये फ्लेवर्स मिलने थे, वो चीज़ आपको मिसिंग लगेगी कहीं ना कहीं रेड लेबल के साथ। हाँ, अगर आपने कॉकटेल वगैरह पीनी है या फिर सोडे के साथ मिक्स करके पीनी है तब आप रेड लेबल भी पी सकते हो, आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपकी दोनों में से कौन सी फेवरेट है, रेड लेबल या फिर ब्लैक लेबल, प्लीज आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आपके कमेंट्स मेरे लिए काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।